हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। तो यार, हमारी आज की वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह लीकू जो है वो अपने सेकंड पोकेमोन को कैच करने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोकेमोन होराइजन का एपिसोड 21 जो है वो कल फ्राइडे वाले दिन 2:55 पर ट्विटर पर पोके कालोस के नाम से एक अकाउंट है जहाँ पर लाइव चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर ये एपिसोड देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पर भी ये अवेलेबल हो जाता है सैटरडे वाले दिन। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लीकू के सेकंड पोकेमोन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमें ये शो नहीं किया गया था कि लीकू जो है क्या वो भी सेकंड पोकेमोन कैच करेगी या फिर क्या वो टीम बनाएगी या फिर नहीं। तो अभी हमें ये बात इस एपिसोड में रिवील्ड की जाएगी कि लीकू जो है वो 6 पोकेमोन कैच करने वाली है और मे बी इससे भी ज्यादा, और वो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी। अब यहाँ पर बात यह है कि उसके 6 पोकेमोन होंगे कौन से। फर्स्ट तो पोकेमोन जो उसने कैच किया था वो था स्प्रिगेटिटो, जो कि उसका स्टार्टर पोकेमोन था। और अब एपिसोड 21 में लीकू जो है वो अपना सेकंड पोकेमोन कैच करने वाली है, जो कि है मिब्रेन। मिब्रेन जो है इसको इंग्लिश में हैटिना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोकेमोन है ये काफी कूल और पावरफुल पोकेमोन है और काफी मिस्टीरियस भी है। उसके अलावा ये हमें फर्स्ट टाइम ग्लॉड रीजन में देखने को मिला था। गाइस, ये पोकेमोन जो है ये काफी पावरफुल है और लीकू की टीम को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देने वाला है। इस एपिसोड में होगा कुछ यूं कि लीकू और रॉय और जो फ्रीद होंगे ये ग्लार केव को फाइंड करते हुए फॉरेस्ट में जाएंगे, जहां पर लीकू को ये पोकेमोन देखने को मिलेगा जो कि बारिश में भीग रहा होगा और इसकी हेल्थ भी सही नहीं होगी। तो लीकू जो होगी वो इसको लेकर एयरशिप पर आ जाएगी, जहां पर लीकू इसको ट्रीट करेगी, और जब ये ठीक हो जाएगा तो ये फिर लीकू के साथ ही रहना चाहेगा। तो इस तरह जो फ्रीद की टीम होंगे वो भी लीकू को कहेंगे कि तुम्हें सेकंड पोकेमोन कैच करना चाहिए, जहां पर लीकू सोच में पड़ जाएगी कि सेकंड पोकेमोन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं स्प्रिगेटिटो के बाद भी कोई पोकेमोन कैच करूंगी। तो यहां पर इस तरह फिर वो डिसाइड करती है कि वो इस पोकेमोन को कैच करेगी, और इस तरह हैटिना जो होता है वो लीकू के पास आ जाता है, और लीकू का सेकंड पोकेमोन जो होता है वो हैटिना है। और यहां पर एपिसोड 21 में हमें दिखाया जाएगा कि लीकू जो है वो एपिसोड के एंड में हैटिना को कैच कर लेगी। तो ये काफी पावरफुल पोकेमोन है, अगर तो ये लीकू की टीम में आ जाता है, जो कि आने वाला है, तो इसकी टीम और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। आपको पता है कि लीकू जो है वो ऑलरेडी काफी पावरफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हमें ये दिखाई जा रही है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि इसकी बैटल ऐश के साथ हो और मे बी ऐश को बीट भी कर दे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।